हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हेमराज ठाकुर देव हिमाचल के छोटे से गांव से आपका स्वागत करता हूं इस एक और नए वीडियो में। आज है 8 मार्च 2024। आइए आज की दिनचर्या स्टार्ट करते हैं दिन के इस 12 बजे से। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप अपने कार्य में उन्नति करें, यही मेरी भगवान शिव से मनोकामना है। वीडियो लेट इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि कल रात को मैं लुपुर महादेव अर्की गया था अपने महादेव की आराधना करने के लिए। क्योंकि सुबह वहाँ पे जाने पे क्या होता है कि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको दर्शन तक करने का टाइम नहीं मिलता। लुटुर महादेव और मुटुर महादेव दोनों देव दोनों जगह जो है दर्शन किए रात को ही, और सुबह मैं 5 बजे घर पहुँच गया था। ट्रैफिक तो कल रात को ही स्टार्ट हो गया था वहाँ पर, तो अभी तो पता नहीं कितना बुरा हाल होगा वहाँ पर ट्रैफिक का। वहाँ पर ट्रैफिक हट गया तो शायद मैं शाम को अभी जाऊँ फिर से महादेव के दर्शन करने के लिए, और आपको भी ले चलूँगा लुटुर महादेव के। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी कल शाम को शूट किया था, वो सभी वीडियो मैं आपको एक एक फुल वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप जाके देख सकते हैं लुटुर महादेव का नाइट का व्यू प्रोग्राम। हम सभी के प्रिय भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, अपने भक्तों को बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। उनको पता है कि उनको भक्तों को क्या चाहिए, इसलिए हमेशा भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा जरूर पढ़ें। मेरी सभी से ये रिकमेंडेशन रहेगी। मैं भी शिव चालीसा पढ़ता हूँ, तो आप सभी भी शिव चालीसा जरूर पढ़ें। बाकी भोलेनाथ तो सबके साथ है। आज भोलेनाथ की कृपा से पूरा आसमान बिल्कुल एक भी बादल नहीं है, नहीं तो कल भी इतने ज़्यादा बादल थे, ठंड बहुत थी। आज एकदम बिल्कुल क्लियर आसमान है। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान ने बिल्कुल एकदम क्लियर स्काई रखी हुई ताकि भक्तों को आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। आप सभी भी अपने निकटतम शिव भगवान के मंदिर जाके उनको जल अर्पण करें। गाँव में एक चीज़ सबसे बेस्ट होती है, यहाँ का इन्वायरमेंट, और दूसरे यहाँ पे किसी प्रकार की गाड़ियों का कोई शोर नहीं है। आप ऐसे बैठ जाओ साइड में तो कहीं भी, मतलब तो ऐसा आपको नेचर का ही नेचर ही सुनाई देगी हर जगह। पक्षी चहचहा रहे, शहरों में कहाँ, शहरों में तो गाड़ी ही गाड़ी होती है, बस चीं चीं हॉर्न कंटिन्यू उनका हॉर्न बजता रहता है। ये बात गाँव में बेस्ट रहती है। प्लेन इलाकों में क्या होता है कि धुंध होती है, मतलब कई कई दिन तक वो आपको सूरज के दर्शन नहीं होते। हिमाचल में क्या है कि आपको धुंध होगी पर सूरज तो दिखेगा, धुंध होती है बहुत रेयर टाइम में, सुबह होगी तो होगी नहीं तो दिन को होती नहीं। अभी जैसे आप देखिए बिल्कुल क्लियर मौसम है ना, बिल्कुल एक भी बादल नहीं आसमान में, कहीं कहीं बिल्कुल एक बादल है इस साइड को है बस, बाकी कहीं बादल नहीं है। शहरों में तो सर्दियों में धूप दिखती ही नहीं है। हमको लगता है ना कि पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, तो एक्चुअली में दिल्ली चंडीगढ़ जैसे इलाकों में उससे भी ज़्यादा ठंड होती है। कोहरा जो होता है ना चुभता है आदमी को, ऐसा चुभता है कि जैसे नाक में ठंड लग जाएगी, आपकी स्किन ठंडी हो जाएगी एकदम। कुछ दिन पहले तो मैं बद्दी गया था, तो वहाँ पे इतनी ठंड थी ना, मेरे हाथ लिटरली सुन्न हो गया था, मतलब सेंसिंग हो ही नहीं रही थी हाथ में। इतनी ठंड तो मतलब हमारे इलाकों में नहीं है जहाँ हम पहाड़ों में रहते हैं। जो हमारा एरिया है यहाँ का मैक्स टेम्पर 32 तक या 35 तक जाता है, वो भी रेयर टाइम में, वो तो बहुत कभी जब चला गया कभी, उससे ज़्यादा वैसे जाता नहीं है। और जो आपके कीवी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है कि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चले जाए तो वो कीवी प्लांट जो है सूख जाते हैं। चाहे पानी दे दो, जितना मर्जी पानी दे दो, अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। आपका प्लांट हरा रहेगा लेकिन उस प्रकार की प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, ना ही फ्रूट में क्वालिटी वाइज फ्रूट अच्छा आएगा। और एक दूसरी चीज़ की थी चिलिंग आवर की रिक्वायरमेंट। चिलिंग आवर के लिए 720 घंटे जो है इसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री या 7 डिग्री से कम होना चाहिए इतने टेम्परेचर के लिए। तो हमारे तो ऐसे भी कम ही रहता है टेम्परेचर, अभी भी आप अभी 5 डिग्री शाम को जो है 5 डिग्री से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। ये है हमारे भोलेनाथ। आप सभी को इस पावन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप उन्नति करें, यही हमारी मनोकामना है। मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, बार बार के रंग में ऐसी
शंकर भगवान की, जय 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 शंकर भगवान, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की। अपने मन की मैं